नमस्कार, इंडिया टू भारत चैनल पर आज हम एक ऐसे तीर्थस्थल के बारे में जानेंगे यहाँ पर प्रभु श्री राम जी ने अपने 14 साल के वनवास के दौरान सबसे ज़्यादा समय व्यतीत किया। इस समय हम महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में हैं। नासिक नाम पड़ा कि यहाँ पर शूर्पणखा का नागजल श्री लक्ष्मण जी ने काटा। तो एक तरह से नासिक वह तीर्थस्थल है यहाँ से रामायण का मुख्य मोड़ आया, क्योंकि शूर्पणखा की नाक काटने के बाद इसी स्थान से राम ने माँ सीता जी का छल से हरण किया। चलिए एक एक करके नासिक के मुख्य तीर्थस्थलों की यात्रा करते हैं। नासिक के तीर्थस्थलों के जो मुख्य तीन पड़ाव हैं वो हैं रामकुंड, पंचवटी और तपोवन। तो नासिक शहर भारत के सभी छोटे और बड़े उपनगरों से जो रेल और सड़क मार्ग से बड़े अच्छे से जुड़ा हुआ है। मुंबई से जो इसकी दूरी है वो लगभग 150 किलोमीटर के करीब है, आपको वहाँ से 3 घंटे का समय लगेगा। नासिक तक भारत के लगभग हर एक राज्य से गाड़ी पहुँचती ही है, तो इसलिए नासिक और त्रिम्बकेश्वर तक पहुँचने के लिए सबसे बढ़िया विकल्प रेल मार्ग है। नासिक में आके आपको जो सबसे पहले दर्शन करने हैं वो करने हैं दक्षिण की गंगा कही जाने वाली गोदावरी मार्ग। ये गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो यहाँ से त्रिम्बकेश्वर ज्योतिर्लिंग है 26 किलोमीटर और उसके आगे ब्रह्मगिरी पर्वत है, वहाँ पर गोदावरी माँ का उद्गम स्थल है। लेकिन इस समय हम यहाँ पर जो मैंने बताया आपको कि गोदावरी नदी पर आकर यहाँ पर नासिक में भक्तगण सबसे पहले स्नान करते हैं और उसके बाद बाकी के तीर्थस्थलों के दर्शन करते हैं। इस पवित्र तीर्थस्थली को रामकुंड कहते हैं और शास्त्रों के अनुसार रामकुंड पर ही प्रभु श्री राम जी स्नान किया करते थे और यहीं पर ही उन्होंने अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान भी किया। रामकुंड पर ही आपको जो अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम होता है वो भी आकर यहाँ पर लोग करवाते हैं, अपने जो बुजुर्गों का है वो पिंडदान भी यहाँ पर करवाया जाता है। तो नदी के बिल्कुल किनारे पर एक ऐसा अंदर स्थान बनाया गया है, यहाँ पर आकर 15-20 परिवार एक साथ वो पिंडदान यहाँ पर करवा सकते हैं। रामकुंड के ऊपर ही गंगा जी का मंदिर है और वहीं पास में ही गोदावरी मंदिर है। यह गोदावरी मंदिर 12 वर्ष में केवल एक बार बृहस्पति के सिंह राशि में आने पर खुलता है और उस समय वर्ष भर खुला रहता है। रामकुंड की मुख्य विशेषता एक और ये भी है कि कुंभ के मेले के दौरान यहाँ पर भक्तगण आकर स्नान करते हैं। जो राम के भक्त हैं वो नासिक के रामकुंड में स्नान करते हैं और जो भगवान शिव के भक्त हैं वो त्र्यंबकेश्वर के कुशावर्त तीर्थ में स्नान करते हैं। हमने अपने पिछले एपिसोड में आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और कुशावर्त तीर्थ के दर्शन करवाए थे। अधिकतर भक्त जो नासिक दर्शन के लिए आते हैं वो यहीं से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके वापसी में नासिक में ही शाम को आ जाते हैं, क्योंकि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो यहाँ से दूरी है वो 30 किलोमीटर है, 1 घंटे का समय लगता है। तो इस तरह से नासिक में रामकुंड के पास आपको कई छोटे बड़े मंदिर मिलेंगे। अभी हम इसके बाद नासिक के कपालेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए जाएंगे। उसका इतिहास बहुत ही रोमांचकारी है, रामकुंड से मात्र 50 मीटर की दूरी पर ही है वो। भगवान शंकर जी का ये मंदिर है और ये भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है, यहाँ पर आपको भगवान शंकर जी के सामने नंदी भगवान नहीं दिखाई देंगे। अभी चल के मंदिर दर्शन करते हैं। तो हर जगह पे हम अगर ब्रह्मांड में देखा जाए, पूरे दुनिया में देखा जाए, तो शिव जी के सामने नंदी का रहना ये स्वाभाविक है। पर ये पहला शिव मंदिर ऐसा है कि इनके सामने नंदी भगवान है नहीं। दंत कथा नहीं, ये मार्कंड पुराण में लिखी गई है। ब्रह्मा जी को 5 मुख हुआ करते थे, तो एक बार उन्होंने भगवानों की सभा में विष्णु भगवान की निंदा कर दी, तो शिव जी ने क्रोध में आके उनका एक सर अलग कर दिया, तो शिव जी को ब्रह्म हत्या का पातक लग गया। ब्रह्मांड में घूमते घूमते वो गोदावरी के किनारे अलग देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था, तो उसके गाय और बछड़े का जो संवाद था वो दूर बैठे शिव जी सुनते, तो बछड़ा बड़ा हुआ था, तो वो अपनी माँ से कहते कि अगर कल मुझे अपने मालिक ने अगर मुझे काम के लिए उकसाया तो मैं सिंह से उसको मार दूंगा। तो माँ कहती है कि तुझे ब्रह्म हत्या का पातक लग जाएगा, क्योंकि वो ब्राह्मण है अपना मालिक। पर वो बछड़ा पूर्वजन्मी का ज्ञानी था, उन्होंने कहा कि अरुणा वरुणा गोदावरी जो यहाँ संगम है शिवजी मंदिर के सामने, जहाँ दक्षिण मुखी गंगा माँ हुई है, अरुणा वरुणा गोदावरी में संगम में स्नान करने के बाद अपना पाप दूर हो जाता है, ये दूर बैठे शिवजी सुनते हैं। फिर वो देख के शिवजी भगवान भी अपना वही जगह पे स्नान करते जहाँ उनका वो पाप दूर हो जाता है ब्रह्म हत्या का। फिर वो यहाँ आके बैठे तो विष्णु भगवान ने उनको यहाँ पूजा करके उनका
स्वागत किया कि आपको जो पाप लगा हुआ था कपाल को वो दूर हुआ है, तो आप कपालेश्वर नाम से यहाँ विराजमान हो गए। तो इस जगह पे आने के बाद शिव जी ने उनको कहा कि तुम्हारे मार्ग से मेरा पाप दूर हुआ, तो मार्ग दिखाने वाले गुरु हो गए। तो इस जगह पे आपका गुरु का ठिकाना है। ये गुरु शिष्य की महिमा बताने वाला भी स्थान है। जी बिल्कुल। रामकुंड और कपालेश्वर मंदिर के बाद अब हमारा जो अगला मुख्य गंतव्य स्थल है वो है पंचवटी। रामकुंड से जो उसकी दूरी है लगभग 800 मीटर है। अगर आप पैदल जाते हो तो आपको 10 मिनट का समय लगेगा। और पंचवटी में जो दो मुख्य स्थान है, पहले हम जाएंगे सीता गुफा जो कि श्रद्धालुओं के बीच में काफ़ी प्रसिद्ध है, और दूसरा यहाँ पर मुख्य तीर्थ स्थल है कालाराम जी का मंदिर। तो अभी हम नासिक के अगले मुख्य तीर्थ स्थल पर आ चुके हैं, सीता मैया जी की गुफा। यहाँ पर सीता मैया भगवान शंकर की तपस्या किया करते थे। यहाँ पर हम सीता मैया की गुफा के आसपास जो पेड़ देख रहे हैं बरगद के, ये 5 पेड़ हैं, वहाँ पर नंबर भी दिया गया है, 1 नंबर 2 नंबर। बरगद को मराठी में वट वृक्ष कहते हैं, और इसीलिए इस जगह का जो नाम है वो पंचवटी पड़ा 5 बरगद के पेड़ों की वजह से। तो चलिए अब अंदर चलकर माँ सीता जी की गुफा के दर्शन करते हैं। यह मंदिर ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन ये आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण है, क्योंकि माँ सीता ने यहीं पर वनवास के समय में सबसे ज़्यादा तपस्या और आराधना की थी, इसीलिए एक अलग तरीके की आध्यात्मिक ऊर्जा आपको महसूस होगी। पर देख सकते हैं आपकी गुफा कितनी ज़्यादा तंग है। जय श्री राम, जय श्री राम, पूरा अंदर से हम आपको गुफा दिखाएंगे। यहाँ पर गुफा काफी तंग है। सबसे पहले आपको दर्शन होंगे यहाँ पर प्रभु श्री राम जी के, माँ सीता जी के और लक्ष्मण जी के। बीच बीच में ऐसा रास्ता आ रहा है कि एक आदमी के लिए निकलना भी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए असंभव लगता है, लेकिन भक्त श्री सिया राम जी करते हुए यहाँ से निकलते जा रहे हैं। जय श्री राम। फिर से थोड़ा समुदाय है, और फिर से हम सामने भगवान शंकर जी के और शिवलिंग, यहाँ पर माँ सीता भगवान शंकर जी की पूजा किया करते हैं। तो अभी हमने माँ सीता जी की उस गुफा के दर्शन कर लिए हैं, यहाँ पर माँ सीता जी रुकी थी, तपस्या की थी। अब हमारा जो अगला डेस्टिनेशन है वो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर श्री कालाराम जी मंदिर है। तो अभी वहाँ पर चलते हैं और जानते हैं कालाराम मंदिर का इतिहास। ये मेरे पीछे आपको दिख रही होगी माँ सीता जी की गुफा, और ये सामने कालाराम जी का मंदिर है। मुश्किल से 1 मिनट से भी कम समय लगता है कालाराम मंदिर तक पहुँचने के लिए माँ सीता जी की गुफा से। तो ये पीछे हमें दिख रहा है पूर्व महाद्वार कालाराम मंदिर जी का। यहाँ पर प्रभु श्री राम अपने 14 साल के वनवास के दौरान 25 साल तक ये कालाराम मंदिर में उन्होंने विश्राम स्थली ली। तो इस तरीके से अपने वनवास के जो 14 साल उन्होंने बताए थे उसमें सबसे ज़्यादा समय उन्होंने नासिक के इस श्री कालाराम मंदिर में बिताया था। और यहाँ पर जो आपको वास्तुकला दिखेगी वो हेमंत पंडित वास्तुकला है। काले पत्थरों से ये मंदिर का निर्माण किया गया है, और इसका जो निर्माण और वास्तुकला है वो त्रिम्बकेश्वर ज्योतिर्लिंग से बहुत मेल खाती है। अंदर आपको प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया जी की जो प्रतिमाओं के दर्शन होंगे वो स्वयं हो, और काली रेत से बनी हुई हैं, और श्याम वर्ण होने के कारण इसे कालाराम कहा जाता है। ठीक सामने श्री राम जय जय राम का जाप करते हुए प्रभु सेवक महाबली हनुमान जी खड़े हैं, और उस मंडप को हनुमान मंडप कहा जाता है। वहां पर आपको लगभग 95 स्तंभ मिलेंगे, वो जो पूरे का पूरा मंडप है। ऋषि मुनियों के अनुरोध पर श्री रामचंद्र जी ने धर्मनाशक खर दूषण त्रिशिर आदि 14,000 राक्षसों का वध कर इस तपोवन को भयमुक्त कर दिया था, और शरणागत मुनियों को अभय दिया था, और उसी स्वरूप में खड़े हुए श्री प्रभु रामचंद्र जी का दायां हाथ छाती पर और बायां हाथ सीधे स्वयं के चरणों की ओर है। तो अभी श्री कालाराम मंदिर जी के दर्शन हमने कर लिए हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि हम ऑटो में बैठे हुए हैं। यहाँ से हम 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है तपोवन।
वहाँ पर जाएंगे। अगर आप ऑटो स्पेशल करते हैं तो 200 से 250 रुपये के बीच में लगता है। वहाँ पर आपको लेकर भी जाएंगे और वापस भी लेकर आएंगे, और साथ में आपको वहाँ पर जितने भी मुख्य तीर्थ स्थल हैं उसके बारे में आपको जानकारी भी देंगे, गाइडेड टूर भी देंगे। ये पूरे का पूरा 200 से 250 के बीच में होता है। और अगर आप शेयरिंग करते हैं कि जैसे 5 सवारी के साथ अगर आप किसी के साथ जाते हैं तो 60 रुपये में आना जाना हो जाता है। तो अभी चलते हैं तपोवन। तो ये हमारा पहला स्थान है तपोवन जाने में, श्री राम जी की पर्णकुटी। यहाँ पर प्रभु श्री राम कितनी देर रहे हैं? 4 महीना 14 दिन के लिए इधर वास्तव में थे। वास्तव में यही कुटिया से सीता माता रावण जी को भिक्षा देने लक्ष्मण रेखा पार करके गई थी। अच्छा, इसी कुटिया से? ठीक है, दर्शन करके आइए, आगे जाएंगे लक्ष्मण रेखा। ठीक है, सीता माता लक्ष्मण रेखा पार करके ये जगह पे आई थी। अच्छा, रावण जी को भिक्षा देने। आगे जाएंगे अपन लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर, ठीक है, जो 12 साल में पुष्कर कुंभ मेला होता है ना। जी जी जी, कुंभ मेले की शुरुआत इस लक्ष्मी नारायण मंदिर से होती है। अच्छा, स्टार्टिंग इधर पूजन होता है। ठीक है, उसके बाद में नासिक में कुंभ मेला स्टार्ट होता है। लक्ष्मी नारायण मंदिर, इधर पूजन होने के बाद नासिक में कुंभ मेला स्टार्ट होता है। और ये प्रतिमा किसकी अंदर है? लक्ष्मी नारायण जी। सुरपनखा नाग कटी जगह। अच्छा, रूपनखा की नाग यहाँ पर काटी। हाँ, उस समय प्रभु रामचंद्र भगवान सीता माता लक्ष्मण भगवान जी बनवास के समय इधर बनवास काटा था। ठीक है, 1 साल 1 महीना 14 दिन के लिए। ठीक है, दंडक कारण्य तपोवन सुरपनखा नाग कटी जगह। ठीक है, ये 350 एकड़ के ऊपर जमीन है पूरा। अभी हम देख सकते हैं पीछे लक्ष्मण जी का मंदिर है, यहाँ पर ही तो रूपनखा की नाग काटी गई थी। तो अभी हमने शेषनाग जी के अवतार श्री लक्ष्मण जी मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। इसके बाद तपोवन में जो हमारा अगला गंतव्य स्थल है वो गोदावरी और कपिला नदी का यहाँ पर संगम होता है, वहाँ पर हम जाएंगे। ये क्या है अभी? कपिला गोदावरी संगम। अच्छा, ये है, ठीक है, ये गोदावरी नदी है। हाँ जी, ये उधर से आती है इसी कपिला नदी। इधर से गोदावरी नदी कपिला नदी दो नदियों का इधर संगम है। जो डाउन में जो घास की कुटिया दिखाई देती ना भैया। जी 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 जी, तो घास की कुटिया में जाना है। ये सामने हमारे। हाँ, सीता माता अग्निकुंड अग्नि में प्रवेश किया वो यहीं पर है। यहीं पर वो अग्निकुंड में जो प्रभु श्री राम ने उनकी जो छवि यहाँ पे छोड़ी थी संभाल के रखती थी। बराबर, इसका मतलब रावण ने जो सीता मैया का हरण किया वो असली सीता मैया का नहीं, ऐसे वो मायावी रूप लेके गए। मायावी रूप लेके। तो ये हम उस जगह पर वो जो अग्नि तीर्थ है यहाँ पर माँ सीता की मायावी छवि को प्रभु श्री राम द्वारा छुपाया गया था। ये देखिए आप यहाँ पर आकर, छोटा सा कुंड है ये अभी आज के समय में। और अग्नि तीर्थ के हमारे जो सामने है वो कपिला नदी है, और उस बीच में जाकर वहाँ पर जिन दोनों नदियों का संगम हो जाता है। तो यहाँ वैसे 8 ऐसे कुंड हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य है वो अग्नि तीर्थ है जो हमने देखा। इस जगह का अपना ही महत्व है। यहाँ पर आसपास आपको हम देख सकते हैं कि ग्रीनरी भी बहुत है, हरियाली भी बहुत है। एक तरफ से गोदावरी नदी है, एक तरफ से कपिला नदी है, और दोनों का जो संगम है वो भी काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आकर श्रद्धालु एक बात का ध्यान अवश्य रखा करें कि जब भी किसी ऐसे तीर्थ स्थल पर आना हो, कोई भी गंध या यहाँ पर कुछ भी ऐसी वस्तुएँ ना छोड़ कर जाएं। नासिक में रुकने के लिए यात्री प्रायः पंचवटी में ठहरते हैं, क्योंकि पंचवटी रामकुंड और तपोवन के मध्य में स्थित है, और वहां से तपोवन रामकुंड तथा अन्य दूसरे तीर्थों का दर्शन करने में यात्रियों को सुविधा रहती है। यहां पंचवटी में आपको बहुत सी धर्मशालाएं मिल जाएंगी, जिसका चार्ज 2 बंदों के लिए 500 से लेकर 1000 रुपये के बीच में रहता है एक रात्रि का। मंदिर दर्शन करने के बाद खाने में नासिक का प्रसिद्ध मिसल पाव जरूर खाएं। उसके अलावा यहाँ पर समर्थ का पाइनएप्पल जूस मिलता है, और सायतारा की व्रत में खाने वाली साबूदाना की टिक्की भी बेहद ही स्वादिष्ट थी। तो ये नासिक के सभी मुख्य तीर्थ स्थलों के दर्शन हमने आपको आज करवा दिए हैं, जिसमें हमें लगभग समय लगा है 4 से 5 घंटे का। अगर भीड़ भी होगी तो मान के चलिए आप 5 घंटे में नासिक के सभी मुख्य तीर्थ स्थलों के दर्शन कर लेंगे। महाराष्ट्र ज्योतिर्लिंग सीरीज के अगले एपिसोड में हम आपको एक और तीर्थ स्थली के दर्शन करवाएंगे।